तो दोस्तों लेकर आ गया हूँ आपके लिए एंड्रॉयड ऐप्स अपडेट एंड फीचर की एक और न्यू स्पेशल वीडियो। और इस तरह की वीडियो हम बात करते हैं डेली यूज्ड एप्लीकेशन के अपडेट के बारे में। तो अभी जो अपडेट आए हैं उनके जरिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर ऐड हो चुके हैं। जैसे कि बात करें यहाँ जीमेल की, तो जीमेल में आप चैटिंग का फीचर आ गया है, साथ में अब आप इसके अंदर रूम भी बना सकते हैं। इसे कैसे इनेबल करना है, साथ में दोस्तों WhatsApp जो एप्लीकेशन है उसमें अगर आप किसी को मीडिया सेंड करते हैं तो उसका वॉल्यूम कैसे डिसेबल कर सकते हैं। Google की तरफ से एक एप्लीकेशन निकल के आया है, इसका नाम है मीजर, इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट मैंने रखा है 50, आई होप कि आप इसे आसानी से कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों इन अपडेट को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं हूँ अनुज और आप देख रहे हैं डिजिटल अवतार चैनल। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अवतार चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोज के अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं मीजर एप्लीकेशन की। ये गूगल की एक एप्लीकेशन है और ये ऑगमेंटेड रियलिटी पर बेस्ड एक एप्लीकेशन है, जिसकी मदद से आप घर या ऑफिस में किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको लेंथ पता करनी हो, हाइट पता करनी हो, विड्थ चेक करनी हो, तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम चलते हैं प्ले स्टोर पर और यहाँ पर मीजर टाइप करते हैं तो मीजर करके आपको गूगल की एक एप्लीकेशन मिलेगी। यहाँ पर देख पा रहे होंगे मीजर गूगल LLC। तो इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको अबाउट सेक्शन में आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि ये एप्लीकेशन क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप किसी डोर की लेंथ लेनी है या किसी टेबल की साइज लेनी है तो वो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आपको मीटर या फिट या इंच किसी भी साइज मतलब यूनिट में आप चेक कर पाएंगे कि उसकी साइज वगैरह क्या है। यहाँ पर जो दूसरा अपडेट है WhatsApp के लिए, WhatsApp में एक फीचर है कि अगर पहले जो आप मीडिया को सेंड करते थे किसी को, तो वहाँ पर मीडिया सेंड करने में आपका जैसे कि वीडियो आपने शेयर किया तो वीडियो में अगर कोई वॉल्यूम है तो वॉल्यूम भी WhatsApp पर अगर आपने किसी को शेयर किया तो वो वहाँ पर चला जाता था। अब आपको एक ऑप्शन मिलता है, वो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखिए मीडिया सेलेक्ट किया, यहाँ पर एक स्पीकर टाइप का आइकन दिख रहा है, इस पर अगर आप ऑफ़ कर देंगे तो वॉल्यूम नहीं जाएगा, अगर आप ऑन रखेंगे इसे इसी तरह से रखेंगे तो वॉल्यूम चला जाएगा। तो अधिक प्रयास होता है कि हम अपने जो मीडियम वॉल्यूम है वो ना जाए WhatsApp पर, तो ये फीचर आपको WhatsApp में देखने को मिल जाएगा। एक और जो फीचर है WhatsApp में वो ये है कि अब आप अगर किसी को भी अपनी कोई इमेज वगैरह भेजते हैं या कोई भी फ़ोटो भेजते हैं तो उसमें अब आपको लार्जर प्रीव्यू देखने को मिलेगा, जिससे आप वन व्यू में ही समझ जाएंगे कि WhatsApp पर क्या आया है, क्या कुछ कंटेंट है उसका। Gmail में भी एक अपडेट देखने को मिला है। तो Gmail में पहले आपको मेल और मीट करके दो ऑप्शन मिल रहे थे, अब आपको चैट और रूम का भी फीचर देखने को मिल गया है। इसके लिए आपको सिंपल सा लेफ़्ट से स्वाइप करना है तो आपका इस तरह का पैनल आता है। इसमें आप स्क्रॉल करके बॉटम में जाएंगे तो सेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, सेटिंग में फिर आप जाएंगे तो आपका जो भी Gmail अकाउंट आप यूज कर रहे हैं उस पर यहाँ पर आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देखिए चैट अर्ली एक्सेस। चैट अर्ली एक्सेस को अगर आप इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर आपके बॉटम में चैट वाला फीचर आ जाएगा, रूम वाला फीचर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी तो मैंने ऑफ कर दिया था और यहाँ पर दोबारा से आपको दिखा देते हैं सेटिंग्स में जा कर के चैट अर्ली एक्सेस ये देख पा रहे हैं आप, ट्राई गूगल चैट इन जीमेल। तो गूगल चैट अभी जीमेल में आ गया है, इस ऑप्शन को इनेबल करके आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चैट और रूम दो ऑप्शन आ चुके हैं। चैट में अगर आप जाएंगे तो आप जो जीमेल के कॉन्टैक्ट हैं उन पर आसानी से चैट कर पाएंगे, उन्हें कोई मीडिया शेयर करना हो आपको तो वो कर पाएंगे। तो गैलरी से मीडिया सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, अगर आपकी ड्राइव पर फाइल पड़ी हुई है तो ड्राइव का लिंक वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के दोस्तों ऑप्शन अब आपको जीमेल में मिल गए हैं, जिनसे आप अपने किसी भी फेवरेट कॉन्टैक्ट से चैट भी कर सकते हैं। और रूम बनाने का भी एक ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए क्रिएट रूम का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप अपना पर्सनल जैसे WhatsApp ग्रुप होता है उसी तरह से जीमेल में आप यहाँ पर एक रूम बना सकते हैं, उनमें अपने फेवरेट जो पर्सन हैं जो कॉन्टैक्ट हैं उन्हें रख सकते हैं। इस रूम को आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं फेवरेट ग्रुप इसका नाम दे रहा हूँ इस रूम का। जैसे ही ये फेवरेट ग्रुप बन चुका है यहाँ पर आपको ऐड करने का ऑप्शन आएगा, तो आप बाय नेम
या ईमेल एड्रेस टाइप करके यहाँ पर अपने जो पार्टिसिपेंट हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं, उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है किसी को भी अपने जो गूगल ड्राइव की फाइल्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर आ गया है। आप रूम में जा कर के चेक कर सकते हैं कि आपने कितने रूम ज्वाइन कर किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए फेवरेट ग्रुप और डिजिटल अवतार दो रूम हैं। आप इसी तरह से अगर आपको कोई इनवाइट करता है तो आप उनके रूम को ज्वाइन करके इस तरह की चैटिंग वगैरह कर सकते हैं। हिस्ट्री का एक ऑप्शन है जिससे कि अगर आप हिस्ट्री को ऑफ रखेंगे तो आप जो भी मैसेज वगैरह सेंड करेंगे वो 24 आवर में डिलीट हो जाएंगे। नोटिफिकेशन का ऑप्शन है तो नोटिफिकेशन आपको ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए तो यहाँ पर नोटिफाई ऑलवेज, नोटिफाई लेस का ऑप्शन भी है। अगर आपको ब्लॉक करना है तो आप रूम को ब्लॉक भी कर पाएंगे। तो इस तरह के कुछ जीमेल में काफ़ी शानदार से फीचर आ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्ले स्टोर की। तो प्ले स्टोर का यूआई चेंज हो चुका है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में आपको जो आपका प्रोफाइल आइकन है इस पर टैप करके आप जो भी आपके ऐप अपडेट हैं उन्हें चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पर गेम्स है, फिर एप्लीकेशन, मूवी और बुक्स। तो ये आपका नेविगेशन काफ़ी आसान हो गया है। वन हैंड ऑपरेशन अब आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर वन हैंड से ही आप गेम को ओपन करना हो तो वन हैंड गेम, एप्स, मूवी, बुक्स। तो ये काफ़ी अच्छा नेविगेशन सिस्टम अभी प्ले स्टोर में आ चुका है। दोस्तों ये जो प्ले स्टोर का अपडेट है ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो थोड़े दिन बाद आ जाएगा। माई एप्स एंड गेम्स अब आपको यहाँ पर प्रोफाइल आइकन पर ही देखने को मिलेगा, जो कि पहले आपको लेफ़्ट साइड में देखने को मिलता था। अब यहाँ पर आप माई एप्स एंड गेम में जाएंगे तो आपको इंस्टॉल्ड एप्स, लाइब्रेरी, शेयर और बीटा जैसे जो ऑप्शन हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही कुछ एप्लीकेशन हैं जिनमें अभी अपडेट देखने को मिला है और काफ़ी नया यूआई, काफ़ी नए फीचर ऐड हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है मेजर एप्लीकेशन, व्हाट्सएप एप्लीकेशन, जीमेल और प्ले स्टोर में आए हुए अपडेट के बारे में। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ।